ठीक है। जय हिंद दोस्तों, हमारी वर्तमान सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले के साथ 60,244 पदों पे पुलिस की भर्ती निकाली है, उसके संबंध में आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। और पीछे की जो दो वैकेंसियाँ हुई थी 2018 में और 19 में, उसके आधार पे ये अपने 23 में क्या 24 में क्या कट ऑफ जाना है एक आइडिया लगाते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2023-24 का। देखिए दोस्तों, 41,520 पे 18 में वैकेंसी आई थी, 49,568 19 में वैकेंसी आई थी, और 60,244 2023-24 में वैकेंसी आई है, ठीक है। ये भर्ती 5 साल बाद आई है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात, जो एज रिलैक्सेशन मिल गया, जितने पुराने बच्चे थे उनको मौका मिल गया, तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे यूआर का टॉप जो गया था 41,520 में, जो यूआर का कटाव गया था 225, ठीक है, और जनरल का महिलाओं का 199.5, ठीक है। ईडब्ल्यूएस उस समय तक नहीं था, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का कटाव गया था 216.74, ठीक है, और फीमेल का कटाव वही सेम था, ठीक है। एससी का 187.99 गया था, मतलब 88 मान लीजिए, ठीक है, और फीमेल का वही गया था 199, और एसटी का कटाव गया था 193.31, और फीमेल में सेम, फीमेल का कटाव पूरा सेम गया था, ठीक है, 41,520 की वैकेंसी में। ये कट ऑफ हाई इसलिए थोड़ा चला गया था, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसका पेपर फॉर्म पड़ा था जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2018 में इसका फॉर्म पड़ा था, ठीक है, और पेपर हुआ था जून में, ठीक है। पेपर हुआ एक फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये हुआ था आपका 18 जून को, और ये हुआ था 19 जून को, ठीक है। अब यहाँ पे धांधली हो जाने के वजह से ये जो है दोनों शिफ्ट के पेपर जो है रद्द हो गए थे, ठीक है, और इसका पेपर 2-2.5 महीने बाद हुआ था, और ये 2-2.5 महीने पेपर होने के बाद जो पहले शिफ्ट में 18 फर्स्ट और 19 फर्स्ट को जो पेपर हुआ था, इन लोग को 30 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, जिस वजह से ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये कट ऑफ गया है, उसके जस्ट बाद वैकेंसी ये आ गई थी, 2-3 महीने बाद फॉर्म पड़ा और 3-4 महीने बाद इसका एग्जाम करा लिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये कट ऑफ कितना कम गया है, 193, ये मेल का है जनरल का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस उस समय तक नहीं था, ओबीसी का गया था 185, एससी का गया था 159, और एसटी का गया था 131, ठीक है। वैसे फीमेल में क्या है, यूआर का गया था 142, और फिर ईडब्ल्यूएस इसमें भी नहीं था, ओबीसी क्या है 167, और एससी क्या है 132, और एसटी गया 96, ठीक है। ये कट ऑफ, इस कट ऑफ में देखिए कितना अंतर है। और बात ये भी है, जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे वो बच्चे इसको भी दिए थे, इस एग्जाम को भी, इस वजह से इसका कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग काफी कम चला गया। एक्चुअली इतना कम जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उस आधार पे ये चला गया, ठीक है। अब हम लोग आइडिया लगाते हैं, जो 2023-24 की वैकेंसी है, ये 60,244, इसमें कट ऑफ क्या जाने वाला है, ठीक है। पहली बात, भर्ती आई है 5 साल बाद, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने की वजह से थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आइडिया लगाते हैं, यू आर कटअप जनरली 210 से लेके 220 तक, अगर इतना नंबर आपका आता है तो मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, आप सेफ जोन में, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग कट ऑफ सेम जाना है, और कुछ कंडीशन ऐसा भी आएगा जिसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जाएगा, क्योंकि अभी देखिए कल ही रिजल्ट आया लेखपाल का, 21 की वैकेंसी थी 23 में उसका रिजल्ट आया है, ओबीसी और एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम गया है, लेकिन यहाँ पे सेम जाने के बाद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं इसका कट ऑफ 190 से 200 तक, ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ गया 200 से 210 तक, ठीक है। इतना अगर स्कोर आप करते हैं तो मान के चलिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। एससी और एसटी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ये मान के चलिए 170 से 180 के बीच में कट ऑफ जाएगा, और एसटी 150 से 60 मान के चलिए 160,
अगर इतना करते हैं स्कोर तो आप सेफ जोन में हैं। और महिलाओं के लिए इसमें हॉरिजेंटल आरक्षण है, तो महिलाओं को इसमें मतलब रिजर्व सीटें रिजर्व की गई 20%। तो ये वैकेंसी महिलाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे 20% सीट आरक्षण होने की वजह से इन लोगों का कटऑफ काफ़ी कम जाएगा। अगर 180 जनरल 180 से 90 मान लेते हैं, अगर जनरल में महिला मतलब अगर करती हैं पेपर तो उनका सिलेक्शन एकदम पक्का है, 180 से 90, इससे ऊपर जाना नहीं है। उसी आधार पे 5-5, 10-10 नंबर कम करके इस पर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग तैयारी में जुट जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है। अगर ये एग्जाम, वैसे तो फरवरी का बात चल रहा है, फरवरी मार्च में एग्जाम होने का, और सरकार मूड में एग्जाम करा भी सकती है, अगर एग्जाम डिले होता है तो ये कट ऑफ और भी ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। जय हिंद।